Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. इसलिए कहता हूं आइएगा क्लास में तो मजा भी आएगा, खबर भी समझ में आएगी। जिनको आपने अभी सुना ये हैं सुशांत सिन्हा। वैसे तो ना भारत टाइम्स में एज ए एंकर न्यूज की पाठशाला चलाते हैं, लेकिन काम फुल टाइम बीजेपी के लिए करते हैं। और आज हम इन्हीं की पाठशाला का पोस्टमार्टम करेंगे। कैसे, चलिए बताते हैं। इन साहब ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करके नफरत बांटी, वैसे ही देश के लोगों के बीच बीजेपी और कांग्रेस को लेकर नफरत भर रहे हैं। मतलब हिंदू हैं तो देशभक्त और मुस्लिम हैं तो देशद्रोही, बीजेपी है तो राष्ट्रभक्त और कांग्रेस है तो राष्ट्र विरोधी, ऐसा ही कुछ संदेश इनकी जुबान से निकल कर बाहर आता है। आज इनके हालात ऐसे हो गए हैं जैसे स्कूल खुलने के दौरान एक टीचर पहले तो बड़े प्यार से बच्चों का स्वागत करता है और कुछ ही दिन बाद मरकावा मास्टर के नाम से बच्चों के बीच बदनाम हो जाता है। बस कुछ ऐसा ही सुशांत सिन्हा की पाठशाला को लेकर लोगों के बीच राय बन गई है। तो चलिए न्यूज की पाठशाला के टीचर को समझने की कोशिश करते हैं। और आज पाठशाला में बात करेंगे कि घाटे वाली एयर इंडिया को टाटा उड़ाएगा कैसे। टाटा ने एयर इंडिया ले तो ली, लेकिन जो इतने घाटे में चल रही है, जिसको उड़ाना इतना मुश्किल, जिसको मुनाफे में लाना इतना मुश्किल कि उसको बेचना पड़ जाए, उसको टाटा ने खरीद कर इतनी बड़ी चुनौती ली, उसको उड़ाएगा कैसे, मुनाफा कमाएगा कैसे, आज इसका गणित समझाएंगे। और आपको वो सच बताते हैं जिसकी पड़ताल न्यूज लॉन्ड्री ने की है। जयराम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाएं जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। 8 अक्टूबर को न्यूज की पाठशाला में सुशांत सिन्हा ने एयर इंडिया पर एक शो किया। उन्होंने बताया कि कैसे एयर इंडिया की घर वापसी हो गई। मतलब ये कि एयर इंडिया कभी टाटा ग्रुप का हिस्सा हुआ करती थी, जिसको उसने एक बार फिर से खरीद लिया है। इसके साथ ही ये भी बताया कि कैसे अब टाटा डूबते जहाज को उड़ाएगा। उसके अलावा इसमें अब जब आप एयर इंडिया के एसेट्स जोड़ देंगे, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा पार्किंग, दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल पार्किंग रूट्स जो हैं वो इनको मिले हुए हैं, और 127 विमान का फ्लीट है उसको जब इसमें जोड़ देंगे ये, और प्लस 1932 वाला जो एक्सपीरियंस है, वो अनुभव, ये मौका और विजन, ये एयर इंडिया को फिर से टेक ऑफ कराएगा, ये टाटा को उम्मीद है। अब सोचिए, देश को सुधारने और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का वादा करने वाली सरकार ने मात्र 7 साल में एयर इंडिया को बेच दिया, जिसकी तारीफ हो रही है। और बिकने की नौबत क्यों आई, इसके लिए 7 साल पहले जो सरकार थी उसकी नाकामी बताई जा रही है। सुशांत ने अपने इसी शो में बताया कि कैसे एयर इंडिया को बर्बाद कर दिया गया। मतलब एयर इंडिया को बर्बाद करने के लिए 2014 से पहले की लाल फीताशाही, प्रोफेशनलिज्म, टाइम पर सर्विस न मिलना जैसी समस्याओं का हवाला देकर एंकर सुशांत ने बड़ी ही चालाकी के साथ कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर इसकी पड़ताल की अधूरी जानकारी जो उन्होंने बताई है इसकी पूरी कहानी हम बताएंगे। 1980 का साल था जब एयर इंडिया में पहली बार इतना बड़ा घाटा हुआ, 15 करोड़ रुपए का घाटा, 15 करोड़ का घाटा 1980 में हुआ। कहानी बिगड़नी शुरू हो चुकी थी। लाल फीता शाही, प्रोफेशनलिज्म, टाइम पर सर्विसेज, सब खत्म होने लगा था। और यह वो दौर था जब नेताओं ने इस महाराजा को अपने यहां का दरबारी बनाना शुरू किया। 1993 में
फिर से एयर इंडिया को फायदा हुआ, 333 करोड़ का फायदा हुआ एयर इंडिया को। ये 1993 की बात बता रहा हूं आपको, यानी घाटे से फिर से फायदे में आनी शुरू हुई। 2004 में यहां तक कहानी क्या थी, 92 करोड़ का प्रॉफिट था। न्यूज की पाठशाला में 1980 का जिक्र है, लेकिन घाटा क्यों हुआ है? इसको मास्टर जी की स्क्रिप्ट तैयार करने वाले खा गए, या फिर सुशांत ने मोदी सरकार की नाकामी छिपाने के लिए ऐसा कर गए? सोचिए, जो टीचर कमियां गिना रहा था उसका फर्ज बनता था कि वो बताता कि एयर इंडिया पहली बार घाटे में क्यों गई, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, या फिर उनको जानकारी नहीं थी, या फिर मोदी सरकार की महानता बताने के चक्कर में घालमेल कर लोगों तक झूठ पहुंचाने का या दर्शकों के साथ विश्वासघात करने का काम किया। मतलब जैसे आईटी सेल बिना किसी सबूत और गवाह के लोगों तक फर्जी और झूठी खबरें फैलाता है, वैसा काम एक सैटेलाइट चैनल की मदद से अंधभक्त सुशांत सिन्हा देशभक्त ऑडियंस के बीच फैला रहे। 1980 में एयर इंडिया को घाटा क्यों हुआ? इसका जवाब एयर इंडिया के चेयरमैन रघुराजन ने इंडिया टुडे से एक बातचीत में बहुत ही बारीकी से बताया। तब उन्होंने कहा था कि सिर्फ एयर इंडिया ही घाटे में नहीं थी, बल्कि वैश्विक स्तर पर कई और कंपनियां भी इस हालत में पहुंच गई थी, क्योंकि तब ओपेक ने फ्यूल के दामों में करीब 100% की बढ़ोतरी कर दी, और फिर इससे होने वाले घाटे को कवर करने के लिए किराए को 15% बढ़ाने की मांग हुई, लेकिन 5.4% को ही मंजूरी मिली। यहीं से एयर इंडिया के डाउनफॉल की शुरुआत होती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ओपेक है क्या? दरअसल ओपेक तेल प्रोडक्शन करने वाले देशों का एक संगठन है, जिसका गठन 1960 में बगदाद सम्मेलन के दौरान हुआ। तब इसका हिस्सा ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 13 सदस्य देशों का ओपेक संगठन है। इस संगठन के बनने के बाद तेल के दाम बढ़ने लगे, क्योंकि इन देशों ने ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कच्चे तेल का प्रोडक्शन घटा दिया, जिससे डिमांड नहीं पूरी होने की वजह से तेल के दामों में ज्यादा उछाल आया। मतलब 1980 में 78 यूएस सेंट प्रति गैलन मिलने वाला तेल 146.6 सेंट प्रति गैलन हो गया, जिसकी वजह से 1978 से 1979 में 34.09 करोड़ का प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी 1979 से 80 में 15 करोड़ के घाटे में चली गई, जिसके बाद 1993 में एयर इंडिया को 333 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तब कांग्रेस के केंद्र में सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तो सवाल ये है कि क्या न्यूज की पाठशाला के एंकर को यह भी पता नहीं था, या फिर नरसिम्हा राव सरकार के प्रति मोदी भक्ति के आगे तारीफ के बोल निकल ही नहीं पाए? ये तो सुशांत सिन्हा ही बता सकते हैं कि कैसे वो मोदी भक्ति के चक्कर में 333 करोड़ के फायदे का जिक्र कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर गए। अब आप देखिए, 2004 में 92 करोड़ का घाटा का फायदा था, प्रॉफिट था। 2008 आते आते क्या हुआ, 5548 करोड़ का घाटा। मतलब जो कंपनी उड़ रही थी, जो कंपनी चल रही थी, 92 कम हो गया था घाटा, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में थी। प्रॉफिट कम हो गया था लेकिन फिर भी प्रॉफिट में तो थी, 92 करोड़ का कह रहा हूं। वो चार साल के अंदर, 2004 से 2008 के बीच में 5548 करोड़ के घाटे में चली गई, और बढ़ते 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 फिर जो है घाटा बड़ा घटा चलता रहा, और 2017 आते आते ये घाटा जो है वो 5348 करोड़ का रहा। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उनको तभी समझ में आ गया था कि इसका घाटा जो है वो हटना नहीं है, इसको बेचने की शुरुआत करो। अब बात करते हैं 1993 से 2004 के बीच की। इस समय देश में कोएलेशन की सरकारें थी, और इसी बीच तीसरे मोर्चे की सरकार भी बनी, और फिर 1989 से 1999 में अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने, और 1999 से 2004 के बीच भी बीजेपी गठबंधन की सरकार चली। मतलब 1993 में जो कंपनी 333 करोड़ के फायदे में थी, उसका घाटा 1995 से 1997 के बीच 671 करोड़ हो गया, जबकि साल 2001 में एयर इंडिया को
38.4 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। उससे ठीक एक साल पहले यानी कि 2000 में कंपनी को 54.29 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन शायद इस बात का जिक्र करना भी मास्टर साहब भूल गए। अब इन आंकड़ों को छिपाने के पीछे सुशांत सिन्हा और उनकी टीम का क्या रीजन है, ये तो वही बता सकते हैं। वो अपने दर्शकों के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे ये हमको तो जानकारी नहीं है, लेकिन सुशांत को इस बारे में जानकारी जरूर होगी। वैसे आधे अधूरे ज्ञान के साथ चलाई जा रही न्यूज की पाठशाला से अपने दर्शकों को उन्होंने बताया कि कैसे एयर इंडिया का घाटा बढ़ता गया, लेकिन ये नहीं बताया कि पिछले 7 सालों में मोदी सरकार एयर इंडिया को प्रॉफिट में क्यों नहीं ला पाई। तो फिर एयर इंडिया को नीलाम करने के लिए सरकार के फैसले की तारीफ क्यों होनी चाहिए। इसी शो में सुशांत ने एयर एशिया और विस्तारा का जिक्र कर टाटा के विजन को भी बताया है कि कैसे टाटा अपनी इन दो एयरलाइंस को इतना बेहतर तरीके से चलाते हैं। सुनिए इनको जरा थोड़ा से। और ये दो एयरलाइंस कौन सी हैं जो टाटा के पास हैं? पहली है एयर एशिया, ठीक चल रही है, और दूसरी जो है जिसकी एयर एशिया जो है इसमें टाटा की हिस्सेदारी जो है वो 84% है, 84% हिस्सेदारी। और दूसरी कौन सी है? विस्तारा, जो आप आजकल नहीं देखते हैं बैगनी कलर का जिसका सीट रहता है, उसमें टाटा की हिस्सेदारी 51% है। तो ये दो एयरलाइन इनके पास पहले है जिसको ठीक चला रहे हैं और दोनों जो है मुनाफे में। सुशांत ने जिस विस्तारा एयरलाइन की तारीफ की है उस पर हिंदू बिजनेस लाइन ने खबर छापी है कि 2016 से 2020 तक कंपनी का घाटा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। मतलब 2016 में 400 करोड़ से ज्यादा का घाटा बढ़कर 2020 में 1813 करोड़ से ज्यादा का हो गया। ये टाटा का विजन है जिसकी तारीफ न्यूज की पाठशाला में आपने सुशांत सिन्हा से सुनी। अब सोचिए इस मास्टर का विजन कितना क्लियर है कि कंपनी घाटे में जा रही है और तारीफ के पुल लाभ में बांधे जा रहे हैं। वैसे जिस तरह से सरकार एयर इंडिया को चलाने के लिए पैसे दे रही थी, वैसे ही घाटे में चल रही विस्तारा एयरलाइन को चलाने के लिए टाटा ग्रुप अलग से पैसे दे रहा है। मतलब विस्तारा को साल 2021 के लिए 585 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि विस्तारा एयरलाइन लोगों को सफर करा सके। अब एयर एशिया इंडिया की बात कर लेते हैं, ये कंपनी भी घाटे में चल रही है। साल 2016 में 181.70 करोड़, 2017 में 140.32 करोड़, 2018 में 125 करोड़, 2019 में घाटा बढ़कर 670 करोड़ के करीब पहुंच गया। वैसे सिन्हा बता रहे थे कि टाटा की दोनों एयरलाइन लाभ कमाकर टाटा ग्रुप को मालामाल कर रही है और एयर इंडिया को कांग्रेस सरकारों ने लूटकर बाजार में किनारे लगा दिया। देखिए 2004 में 92 करोड़ का घाटा का फायदा था, प्रॉफिट था। 2008 आते आते क्या हुआ? 5548 करोड़ का घाटा। मतलब जो कंपनी उड़ रही थी, जो कंपनी चल रही थी, 92 कम हो गया था घाटा, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में थी। प्रॉफिट कम हो गया था लेकिन फिर भी प्रॉफिट में तो थी, 92 करोड़ का कह रहा हूं। वो 4 साल के अंदर 2004 से 2008 के बीच में 5548 करोड़ के घाटे में चली गई और बढ़ते 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 फिर जो है घाटा बड़ा घटा चलता रहा और 2017 आते आते ये घाटा जो है वो 5348 करोड़ का रहा। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई उनको तभी समझ में आ गया था कि इसका घाटा जो है वो हटना नहीं है, इसको बेचने की शुरुआत करो। लेकिन सोचिए कि अपने फायदे के लिए काम करने वाली टाटा की दोनों एयरलाइन घाटे में क्यों चल रही हैं? हाँ, ये जरूर है कि ये घाटा एयर इंडिया के कंपैरिजन में काफी कम है, लेकिन टाटा की दोनों एयरलाइंस को मिलाकर भी एयर इंडिया के प्लेन की संख्या, कर्मचारियों की संख्या और रूट्स का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वैसे इस बात को समझना होगा कि सरकारी कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती बल्कि लोगों की सुविधाओं का भी ख्याल रखती है, जबकि प्राइवेट कंपनी हमेशा अपने फायदे के लिए ही काम करती है। एयर इंडिया सरकारी कंपनी होने के नाते प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री,
सांसद, विधायक, सरकार के बड़े अधिकारी और कर्मचारी तक सरकारी कामकाज में इसको इस्तेमाल करते हैं। अब जब टाटा ग्रुप ने इसको खरीद लिया तो सरकार को इन सभी को सफर कराने के लिए टाटा को अकोमोडेशन देना होगा, जबकि इससे पहले सरकारें उन्हें कंसेशन देती थी। एक RTI से मिली जानकारी के मुताबिक खुद सरकार ने एयर इंडिया में चलने के बदले 598.55 करोड़ का भुगतान नहीं किया, जिसका जिक्र सुशांत सिन्हा ने नहीं किया। मतलब न्यूज की पाठशाला के दर्शकों के टीचर यहां भी चुप गए। जबकि एयर इंडिया पर 31 अगस्त 2021 तक कुल बकाया 61,525 करोड़ रुपए है और इसे टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया, यानी कि सरकार पर अभी भी कुल बकाया 46,262 करोड़ का है। इन 18,000 करोड़ में से टाटा लोन के 15,300 करोड़ रुपए चुकाएगा, बाकी सरकार को नगद के रूप में देगा। मतलब सरकार को इस एयरलाइन को बेचने के बदले में सिर्फ 2,700 करोड़ रुपए टाटा से मिलेंगे, जबकि सरकार पर कर्ज है 46,262 करोड़ का। वैसे गांव में एक कहावत चलती है कि पुरखों की संपत्ति नाकारा पीढ़ियां बेचती हैं, योग लोग उसे बढ़ाते हैं। मतलब सुशांत सिन्हा ने जिस तरह से नाकाबिल होने का परिचय दिया, उसी तरह से मोदी सरकार का बचाव किया। मतलब सुशांत सिन्हा को उन नाकारा दोस्तों का साथ मिला जो हर नाकामी को अपनी कामयाबी बताते हैं और फिर एक दिन सड़क पर आ जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही आप अपने राय देने की कोशिश कीजिए ताकि वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद हो सके। इसके साथ ही फेसबुक पेज पर अगर वीडियो देखकर आपको अच्छा लगे तो पेज को लाइक जरूर करिए, ताकि उससे भी हमको हौसला मिलता है। नमस्कार।